पीलीभीत जनपद के पूरनपुर में सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार ने घुमचिया क्षेत्र में पहुंचकर कई जनसभाओं को संबोधित किया और सरकार की गतिविधियों को लेकर जमकर भाजपा पर प्रहार किया। कई अहम मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने की बात कही। बता दें, बुधवार को घुमचिया क्षेत्र में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 5 बार के विधायक रहे व पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। गंगवार ने बताया कि भाजपा सरकार लगातार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। जनता खुद महसूस कर रही है कि यह सरकार लगातार किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, गरीब बसाओं का उत्पीड़न कर रही है। सपा प्रत्याशी ने बताया कि सपा सरकार में जनता को हर प्रकार की सुविधाएं मिली। शिक्षा व्यवस्था की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, हर प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जनता का ध्यान रखा। लेकिन आज भाजपा सरकार में जनता बहुत परेशान हुई है। जनता ने अब पूरा मन बना लिया है कि बदलाव लाना ही होगा। सपा प्रत्याशी ने घुमचियाई, सिमरिया, दिलवारपुर, बलरामपुर, बिलंदापुर, शिकरहना, जेठापुर आदि कई गांवों का चुनावी दौरा किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आरती महेंद्र राजकुमार उर्फ राजू, लोकसभा प्रभारी भगवान शरण यादव, जिला सचिव प्रियांशु अवस्थी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, उसे गांव, गरीब, किसान और नौजवान से मतलब नहीं है, वो केवल शहरी पार्टी है। और आज से 10-15 साल पहले ये बड़े धूम धड़ाके से ये चर्चा होती थी कि समाज भारतीय जनता पार्टी से गाँव के लोगों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सब लोग भूल गए। 14 में जिता दिया, 19 में जिता दिया, 14 में हम लोगों को बरगला के, गुमराह करके हम लोगों को ठग लिया, और 19 में पुलवामा कांड करके हमारे 42 कहना चाहिए पिछड़ों के सेनानियों को, जो मिलिट्री में हमारे बेटे हैं, उन लोगों को वहां शहीद करवा दिया, और पाकिस्तान से बंगा लेने का बहाना करके हवाई जहाज भेजा, बम्बारमेंट एक पहाड़ी पर करवाया और पाकिस्तान से एक तरीके से लड़ाई दिखा दी, लेकिन वो पूरा कहानी खुल गई और सब करता भरता यही लोग थे, और चुनाव फिर से 19 में जीत लिया। आज मंदिर के नाम पे आए थे, लेकिन फेल हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। दिल्ली और लखनऊ की बड़ी बड़ी मीडिया के लोग यहाँ आए, उनसे मेरी बात हुई, मेरा इंटरव्यू लेके गए और बता के गए कि भगवत जी आपका माहौल बहुत बढ़िया है, और इतना बड़ा अंतर है। आज तो एक पेपर उसने चैनल ने छापा है कि हम लोगों को 76% वोट मिल गया है, वही भारतीय जनता पार्टी को 16% वोट मिल गया है, और ये कल की रैली ने भी मोदी की साबित कर दिया कि वहां पे भीड़ 10,000 लोगों की मात्र भीड़ थी। इतना बड़ा नेता कभी प्रधानमंत्री पीलीभीत के इलेक्शन में आए नहीं, मोदी आए इसलिए कि इनकी सीट हर रही है, इन तक खबर पहुंच गई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो साथियों, आप लोगों के जज्बात के सामने, आप लोगों की मेहनत तो मशक्कत के सामने, आप लोगों के उत्साह और उल्लास के सामने भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है, और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। जहां यहाँ की समस्याओं की बात है, तो चाहे टाइगर रेंज की बात हो, चाहे बात हो, बहुत सारे काम है, और आपके बीच में जब ये भगवत खड़ा होगा और सरकार एनडीए की बनी, तो जो सारे काम एक डेढ़ साल के अंदर हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे, और अगर नई भी सरकार बनी तो हम कहना चाहते हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा बांधकर इन सारे कार्यों का धरना आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे, कहना चाहिए वो ये काम करे। बस आपका सहयोग और साथ मिलता है तो काम की कोई कमी नहीं है। साथियों, आपको मालूम होगा कि मंडी गेहूं का टन कट रहा है, मंडी में जा रहा है, आपके बाड़ा तो उत्तराचल में 2600 रुपए क्विंटल बिक रहा है, पीलीभीत में 2400 रुपए 3 दिन पहले बिक रहा था, लेकिन पीलीभीत के प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका रेट व्यापारियों को बुला के जबरन 200 रुपए कम करवा दिया, बोले 2200 से ऊपर गेहूं नहीं खरीदोगे, और आज की तारीख में 200 रुपए कम पीलीभीत की मंडी में गेहूं बिक रहा। ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन जो इस तरीके की बातें करे, किसानों की गले काटने का काम करे, किसान का तो गला तुमने वैसे ही काट दिया है, तुमने कहा जाना कि हम 18 तक दुनी इनकम कर देंगे और 24 तक 4 गुनी कर देंगे, लेकिन इनकम रहेगी आदि। आज किसान की जेब का पैसा खत्म हो गया, बीमारी आ जाए घर में कोई बड़ी, तो इलाज कोई हमारा किसान अपने कमाई के पैसे से नहीं करवा सकता, वो उधार लाके और जैसे तैसे काम करवाएगा।
तो साथियों ये सब बातें सोचने की है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात, परसों 12 तारीख को 11 बजे त्रिजी किन मुद्दों जो है लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुकाबला है जी, और भारतीय जनता पार्टी में इतने छेद हैं उनकी सरकार में और पार्टी में कि निरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। और जहाँ लोकल मुद्दों की बात है वो सब कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे शारदा नदी के कटान की बात हो, चाहे जंगल में शेरों द्वारा जनहानि की बात हो, चाहे यहाँ की पीलीभीत में एजुकेशन की बात हो। बहुत लंबा समय आज़ादी को बीत गया लेकिन अभी भी एजुकेशन की सही व्यवस्था नहीं है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात, ज्ञान सिमरिया में सभी लोग पहुँचे कार्यकर्ता के कार्य जो हैं वो बड़े अजीब हैं, और उन कार्यों की वजह से इनकी डुगडुगी फिट चुकी है और इनका सफाया निश्चित है। पीलीभीत का जो समाचार है वो यहाँ पे एक तरीके से VVIP इलेक्शन हो गया, और इस इलेक्शन की सूचना दिल्ली और लखनऊ और पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। ये लगभग 35 सालों से भाजपा का गढ़ बना हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ऐसा है, गढ़ मैंने हर जगह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है जी, सरकार भी पूंजीपतियों को लाभ देती है। जैसे 16 लाख करोड़ रुपया इनने पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों के 1,60,000 करोड़ पे चिंता नहीं की, जबकि हिंदुस्तान में कम से कम 80 करोड़ से भी ऊपर बल्कि 125 करोड़ लोग किसानी करते हैं और किसान हैं, लेकिन उनका 1,60,00,000 करोड़ माफ़ नहीं किया और पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये मुद्दे हैं और लोगों की समझ में भी आते हैं। इन्हें गांव गरीब किसान से, उसके बेटे बेटियों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें गरीबों से मतलब नहीं, इन्हें मरीजों से मतलब नहीं। अगर कोई अस्पताल खोला हो इन्हें पूरे पीलीभीत में, आज 10 साल की सरकार देश की हो गई, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और काम नहीं किया एक चौथाई इंजन का भी। पीलीभीत में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है जिससे लोगों का इलाज सस्ता हो, और प्राइवेट हैं तो प्राइवेट लोग बहुत पैसा लेते हैं, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, तो बहुत समस्या है। रात भी एक यहाँ पे रानीगंज में एक व्यक्ति को सिर ने मार दिया, तो हम तो आज गए, दिल दहल गया, उनके परिवार की क्या दशा थी देखी नहीं जा रही थी, और रुक नहीं पाए, आंसू निकल आए। तो ये समस्याएं ही समस्याएं हैं, ये बड़े लोग छोटे लोगों का ध्यान नहीं रखते, और वही इसीलिए कहना चाहिए दशा ये, और इसी कारण आज जो चुनाव में एक सबसे जो बड़ा मुद्दा बना है यहाँ पर वो यही बना है कि अगर हम छोटे हैं तो क्या राजनीति। भाई हेमराज वर्मा जी अच्छे राजनेता थे, हमारी पार्टी ने तो उन्हें बहुत कुछ दिया था, लेकिन इन लोगों ने बरगला के अपने साथ में कर लिया, और बरगलाने के बाद में जब टिकट का नंबर आया तो इसलिए हटा दिया कि वो एक पिछड़े वर्ग की बरादरी के नेता थे, और उन्हें टिकट ना दे के हाई क्लास को ले आए, और जिसका जनता से मतलब ही नहीं। इलेक्शन तो बहुत लड़े हैं, एक इलेक्शन जीते और इलेक्शन कोई जीते भी नहीं है शाहजहानपुर वाले, तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।